नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आटा गूंथना खाना बनाने की एक आम प्रक्रिया है। लगभग हर महिला रोजाना रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये देखा होगा कि आटा गूंथने के बाद जो महिलाएं हैं या फिर जो युवतियां हैं इस पर उंगलियों के निशान बनाती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आज के विषय में हम विस्तार से आचार्य जी से जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए हम अपना नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बिना किसी झिझक के हमारे साथ जुड़कर आचार्य जी से तुरंत अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। ये नंबर है 0120715386, 0120715387। इस पर कॉल कीजिए और आप हमारे साथ तुरंत जुड़ सकते हैं। साथ ही निवेदन है आप दर्शकों से कि जब भी आप हमें कॉल करें आप टीवी का वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर दें ताकि आवाज आपकी ठीक से हम तक पहुंच सके। और चलिए अब सीधा आचार्य जी का रुख करेंगे, आज के विषय के बारे में हम जानेंगे उनसे। आचार्य जी, हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी हम आटा गूंथते हैं तो महिलाएं, युवतियां या घर का कोई भी सदस्य रोटी बनाने से पहले तो उस आटे को गूंथने के बाद उस पर उंगलियों के निशान लगा दिए जाते हैं। अक्सर हमने ये देखा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, आज आपने बहुत अच्छा ये हमारे महत्वपूर्ण एक प्रश्न रखा है जी। कि आप ये मान के चलें कि बहुत सी महिलाओं को तो परिपाटी तौर पे, परंपराओं के तौर पर वो देखती आई और वैसा ही कर रही हैं, या बहुत सी महिलाएं नहीं कर पाती हैं। तो ये एक आप ये मान के चलें कि हमारा वैदिक ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है। आटा गूंथ करके महिला तीन उंगलियां, चार उंगलियों का निशान इसलिए लगाती है कि अक्सर जो आटा गोंदा जाता है उसे रोजमर्रा के जीवन में बहुत जल्दीबाजी में ही करते हैं, जबकि सही मायने में जितना लोच लगता है ना, उसको जितना ज्यादा अच्छा गोंदा जाता है उतना ही उसमें रोटी में स्वाद आता है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम पर इसका आटा गोंदने का बहुत असर पड़ता है। शास्त्रों में हर एक काम का अपना महत्व है, अर्थ है। रसोई से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र शास्त्रों में मिलता है। हम में से कई लोग रोजाना रसोई में आटा गूंथते हैं, खासतौर पर महिलाएं आटा गूंथती हैं। समय कई सारी बातों का ध्यान रखने के लिए इंडिकेट करता है। इस दौरान महिलाएं आटा गूंदने के बाद उस पर उंगलियों के निशान भी बनाती हैं। आपने अपने आसपास कई लोगों को ऐसा करते देखा होगा जी। क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल में आटे पर उंगलियों के निशान बनाने का अपना एक अलग महत्व होता है जिसे हमारे शास्त्रों में जिक्र किया है जी। और पूर्वजों से संबंधित बात करें तो शास्त्रों की यदि हम यहाँ संपुट लेते हैं, आटे पर उंगलियों के निशान बनाने की वजह पिंड दान से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान जो अंकुर जी बनाते हैं जी, पिंड दान करने का प्रावधान है। और ऐसा माना जाता है कि पिंड दान करने से पूर्वजों को स्वर्ग में मिलता है। आटे या चावल से बने पिंड दान का संबंध चंद्रमा से होता है जी। और इसी से जुड़ी मान्यता है चंद्रमा के जरिए पिंड पितरों तक पहुंचा देते हैं जी। यही वजह है कि पिंडदान के दौरान आटे या चावल का गोला बनाकर इसे पूर्व तक पहुंचाया जाता है। इसलिए बनाते समय उंगलियों का निशान लगाते हैं, क्योंकि आटे के गोले को पूर्वजों के भोजन का माना गया। ऐसे में बनी रोटी खाने से
हमें पाप लगता है, इसलिए जो गोल गोल पिंडदान बनाते हैं उसमें कभी उंगलियों के निशान नहीं लगाते हैं। तो वो गोल गोल जो बनाएंगे वो पिंडदान हो जाएगा, जी जब उसमें उंगलियों के निशान लगा देंगे तो वो मानव को भोजन करने के लायक बन गया। जी बिल्कुल इस पाप से बचने के लिए महिलाएं आटा गूंधने के बाद, इसका गोला बनाने के बाद, उस पर अपनी उंगलियों के निशान बना देती हैं ताकि वो आटा गोला हमारे खाने योग्य बन जाए। जी इसके अलावा अक्सर बाटी, बाफले, बालूशाही जैसे गोल पकवान पकवानों पर भी अक्सर उंगलियों के निशान खड़े लगाए जाते हैं जी जी बिल्कुल ताकि वो पिंडदान के इस्तेमाल होने की स्थिति में ना रहे और उस पाप से बच सके। नहीं तो क्या होता है कि जैसे हम आज ये बात कर रहे हैं कि पूर्वजों का भोजन जो है वो बन जाता है और उसे एक तरीके से हमारे पितरों को मिल जाता है, तो वो ही स्थिति बन जाती है यदि उंगली नहीं लगाए तो। जी जी बिल्कुल इसलिए शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा जिक्र है। आप कहने को तो कितनी सी सरल बात है, लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना बिल्कुल इसका प्रभाव है बिल्कुल आगे। आचार्य जी बिल्कुल इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही आचार्य जी देखिए, जैसे कि इन दिनों देखने को मिलता है कि हम रात को आटा लगा के और जो गूंथा हुआ आटा है वो फ्रिज में रख देते हैं, तो कई बार मैंने ये भी सुना है कि आटा गूंथ कर रात को नहीं रखना चाहिए, या फिर अगर रखते भी हैं तो उसमें हम कुछ धातु जो है वो जरूर रखना चाहिए, ऐसे ही आटा गूंथ कर नहीं रखना चाहिए। ये इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आटा गूंथ कर रखा जा सकता है या नहीं रखना चाहिए? अब देखिए, आपने ये मान के चलिए कि जो आज ये बात प्रश्न किया है जी क्यों नहीं रखना चाहिए, ये बड़ी बात है और इसके पीछे मोटी बात यह है कि हमारा शास्त्रों का महत्व है। जी आटा गूंद करके क्यों नहीं रखना चाहिए? आटे को बहुत देर तक गूंद कर रखने से उसमें एक तो बैक्टीरिया आ जाते हैं, जी बैक्टीरिया बहुत आ सकते हैं, ऐसे में इसकी कोई पहले से बना करके आटे को नहीं रखना चाहिए, जी क्योंकि उसमें आप स्टोर जो कर रहे हैं, फ्रिज में जो रख रहे हैं और उस आटे को गूंदे हुए को आप खाते हैं तो घर में बीमारियों का न्योता है। जी दूसरा, शास्त्रों की बात हम करें तो आप ये मान के चलिए कि आटा जो गूंद करके रख देते हैं उसमें भूत वासा हो जाता है, यानी वो पितरों के लिए हो जाता है, पिंड हो जाता है, वो जी भले उसमें उंगली लगा दें लेकिन बहुत देर तक उसको नहीं रख सकते हैं। दूसरा, हम साइंटिफिक रीजन की बात करें तो रात को गूंदा हुआ आटा आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसान होता है। अगर आप आटा गूंद करके रखते हैं तो 6-7 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं तो इसमें रासायनिक पदार्थ बनने लग जाते हैं जी और फ्रिज में रखे गूंदे हुए आटे के रोटी खाने से सेहत में भारी नुकसान होता है। जी एक तो बिल्कुल यह है और दूसरा वो जो है मतलब खाने योग्य नहीं बनता, क्योंकि वो एक तरीके से भूतों को आटा, भूतों का रोटी हो जाती है। बिल्कुल इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आटा गूंद करके ना रखें और ये रखना एक तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान है। और बिल्कुल साइंटिफिक रीजन तो इसके बहुत सारे मिलते हैं, न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, उसमें जी जी न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता और उसको जैसे उसमें टॉक्सिन, माइक्रो टॉक्सिन, ये टॉक्सिन, इंटेस्टाइन, इस सब चीजों का जो है मिक्स होकर के और वो एसिडिटी और पेट संबंधी समस्याएं पैदा कर देता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो आचार्य कभी जी भी जो बहुत है, जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत कभी महत्वपूर्ण भी जानकारी आपने आज बताई है, और उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारे इस वक्त हमें सुन रहे होंगे उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि सभी के घरों में ये जो है एक आम बात हो जाती है आटा गूंद कर रखना, या फिर आटा गूंदने पर वो जो उंगलियों के निशान होते हैं, तो ये हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सभी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। गुरु जी राम राम। गुरु राम राम जी। जी मैं आपको, मेरा नाम कंचन बाला है, मैं आपके बारे में पूछना चाहती हूँ। कल मैं अपने भागवत के आगे पूजा करने बैठी थी गुरु जी, शाम 6:30 बजे का टाइम था। तो गुरु जी मुझे, मेरे लड़का 20 से 21 साल का, तो उसके जैसा लड़का मेरे पीछे आया और मेरे गर्दन को पकड़ लिया।
तो गुरुजी जब से मैंने ऐसा हुआ मुझे डर लगा कि कोई अच्छी चीज या बुरी थी। शाम को 6:30 बजे की बात है गुरुजी, तो ये क्या था गुरुजी मुझे ये बताना। देखिए आपका बहुत स्वागत है। कंचन जी हमारे प्रोग्राम को नियमित रूप से देखती हैं, पर मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, भागवत का श्रवण करना, भागवत का स्वाध्याय करना एक तरीके से पितरों का मोक्ष होता है। आपका बेटा के रूप में आपको जो दिखाई दिया है, ये मान के चलें कि उनका कहीं कहीं उपस्थित होना एक तरीके से बहुत अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि भागवत के दौरान भागवत जहाँ रखी होती है वहाँ भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, पुराने पापों के फलस्वरूप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाली आत्मा कभी नहीं आ सकती। ऐसे में वही आत्मा आएगी जिसका मोक्ष हो रहा है, जिसका कल्याण हो रहा है। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं डरना और आप बिल्कुल जो है प्रसन्नता से रहें और नियमित रूप से दीपक जला करके आप भागवत का स्वाध्याय करते रहें। 11वें और 14वें अध्याय करेंगे तो और भी अच्छा होगा। आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बिल्कुल, और भी दर्शक लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। बताइए। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, पंडित जी को प्रणाम। आयुष्मान पंडित जी, मैं जाने से मेरे माता जी का स्वास्थ्य खराब होता है, उनका इलाज से भी है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, क्या उपाय करो पंडित जी। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, माताजी के लिए आपने पूछा, आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। और आप ये मान के चलें कि गीता का एक शक्तिशाली मंत्र है और उस मंत्र का यदि आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मंत्र बड़ा सरल है, बहुत ही सरल है, ओम तत् सत, ये मंत्र है गीता का सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, ओम तत् सत, तत् सत। तो ये 11 बार बोल करके उनको जल पिलाएं, निश्चित रूप से वो ठीक होंगे। और दूसरा यदि आप कर सकते हैं तो फिर माँ गायत्री का मंत्र बोल करके 108 बार और जल को देखते रहें और उस जल को पिलाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। और अंकुर जी आप मान के चलें कि हमारा गीता जो है जी, ये संपूर्ण भारतवर्ष का एक इतिहास इसमें समाया हुआ है, ये मान के चले जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्वस्वः मम का पांडावाश्चका किम कुर्वता संजयः। देखिए इसमें सफलता की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म जी बिना फल की इच्छा के करने पर ही उसका फल सफलता से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित होता है जी। मन में कोई भी अन्य विचार आपके लक्ष्य आपको बढ़ा सकते हैं, इसलिए कर्म करो लेकिन निष्फल करो, यानी कोई फल की आशा मत करो जी, जी। निश्चित रूप से व्यक्ति को जो है बहुत कुछ प्राप्त होता है। बिल्कुल, इसीलिए शायद जी कहा जाता है कि पूरे जीवन का जो सार है वो हमें गीता में मिल जाता है, गीता मिल जाता है जी, सही बात। मैं वही जीवन का सार की बात कर रहा हूँ कि धर्म और कर्म, भगवान कृष्ण ने धर्म की महत्वपूर्णता को जब बताया था और हमें सिखाया था कि मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करते हुए धर्म परायण रहना चाहिए जी। भक्ति, भगवान कृष्ण ने भक्ति की महत्वपूर्णता बताई कि भक्ति है क्या, दरअसल में भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही भगवान के पास में आप पहुंच सकते हैं जी। आपका प्रेम और आपकी भक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है आचार्य जी। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते, मैं बोल रही हूँ दीप्ति, मैं अपनी भतीजी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम है मेघा, जन्म है 7 अगस्त 2005 शाम को 5:10 सुजानगढ़। तो पंडित जी ने उसे मोती पहनने के लिए कहा था, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि उसे शुक्रवार को पहनाएं या सोमवार को, और कौन से टाइम पहनाएं, मतलब उसका टाइम बताएं। कल हम सुन नहीं सके बेटी, आपको वो लाइव चली गई थी। बहुत 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 मंगल शुभकामनाएं दीप्ति। और आपको बता दें कि आप धनु लगन में ये बच्ची का जन्म हुआ है, भतीजी के लिए आप पूछ रही हैं। सूर्य की महादशा है, शनि का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है। 7 अगस्त 2005 आपने बताया है, सायंकाल 7:10 सुजानगढ़। और ये बड़ा स्पष्ट है कि इनको
सूर्य की महादशा वर्तमान में चल रही है और सूर्य इनका अस्तमेश हो रहा है। सूर्य योग कारक ग्रह है, सोमवार के दिन इन्हें 12:05 से 12:50 के बीच में आप मोती धारण करा दीजिए, अवश्य लाभ होगा, बहुत ठीक रहेगा। और ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कॉन्फिडेंटल रहने वाली है और परिवार के लिए बहुत शुभ और अच्छे कार्य करके परिवार का नाम रोशन करने वाली है। आपको आपकी भतीजी के लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं, लेकिन संपूर्ण परिवार के लिए आपको बहुत आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आचार्य जी, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, अपना सवाल कर सकते हैं। आचार्य जी, मैं दौसा से बोल रहा हूँ जी। मैंने आचार्य जी आपसे एक मेरे साले साहब के लिए पूछा था, तो उसमें एक त्रुटि रह गई थी मुझसे। केशव कुमार शर्मा नाम है और उनके जन्म दिनांक 11 मई 1997 है और समय 10:13 सुबह। क्या जानना चाह रहे हैं? अपना सवाल कर लीजिए, आप क्या जानना चाह रहे हैं? मैं उनकी सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाह रहा था जी। देखिए, आपको बहुत मधुसूदन जी मंगल शुभकामनाएं कि आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने परिवार के हित में चिंतन करते हुए प्रश्न रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो हमें बताया 11 मई 1997 10:13, तो इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि इन्होंने करक लग्न में जन्म लिया है। और सरकारी नौकरी लगने का आप ये मत मानिए कि शनि केतु इनको ग्रहण योग जैसी स्थिति करते हैं या अंगारक योग बना देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन भाग्येश में, और फिर आपको लग रहा होगा कि सातवें घर में बृहस्पति नीच का है, तो ये सब कैसे संभव होगा, ये नौकरी कैसे इनको सरकारी मिलेगी। लेकिन ये दो भाई हैं, इनको सरकारी नौकरी मिलना लगभग, दो बहन भाई होते हैं, लगभग संभव होता है। और साथ में आप इनसे शनि स्त्रोत के पाठ करने के लिए कहें, और यदि ये शनि स्त्रोत ना कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य इन्हें लाभ होगा। आत्मबल को कमजोर मत करिए, आप बिल्कुल प्रसन्नता से रहिए जी। हमारा देह जो है आपको हल्का करना है, किसी को डराने का देह हमारा नहीं है। बिल्कुल, ये चैनल जो कार्यक्रम रखता है आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए, आपको डराने के लिए नहीं जी। डराने वाले तो आपको दिन भर पूरे चैनलों पे जो है बहुत सारे लोग मिलेंगे। और ज्योतिष एक डराता नहीं अंकुर जी, ज्योतिष एक रास्ता देता है। लेकिन लोग गलती से अपने आप को भगवान बन के बैठ जाते हैं तो फिर वो डराते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो कहेंगे वही होगा क्या जी। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल नहीं डरे, निश्चित रूप से इनके आत्मबल मनोबल को आप आशीर्वाद से पुष्ट करें, अवश्य इन्हें लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं जी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है आचार्य जी। और चलिए वक्त हो चला है राशिफल का, राशिफल आज के क्या कुछ कह रहे हैं ये भी बता देते हैं। तो आइए हम इसी क्रम में बात कर रहे हैं मेष राशि से जी। आज मेष राशि के जातकों को अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी छोटी सी बीमारी के कारण आपका आज काम ठप हो सकता है, इसलिए अपने आप को अच्छे से देखभाल करें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। वहीं व्यापारी वर्ग को आज विशेष लाभ हो रहा है, विद्यार्थी वर्ग को भी आप काफी अच्छा रहेगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। आज आपके लिए आर्थिक मामलों में थोड़ी समस्या रह सकती है, किसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपनी वित्तीय योजनाओं पर विचार करें। ध्यान दें कि आपकी आर्थिक स्थिति बनी रहे, इसलिए ध्यान पूर्वक निवेश करना आपके लिए ठीक रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको अपने परिवार और संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, किसी मामले में तनाव रह सकता है जो आपके और आपके परिवार के बीच विवाद का कारण आज बन सकता है। संवाद के माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और भाई हम अगली राशि का रुख करते हैं और बात कर रहे हैं करक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके लिए काम के मामले में सफलता के योग बन रहे हैं, आपके प्रयासों के फलस्वरूप आपको संघर्षों को जीतने का मौका आज प्राप्त हो रहा है। अपने काम में निरंतरता बनाए रखें और अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। आइए हम अगली राशि की बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए।
आज आपको अपने निवेशों पर विचार करने की आवश्यकता है। किसी वित्तीय मामले में आपका ध्यान विचलित आज हो सकता है और आपको सही निर्णय लेने में कठिनाई भी रह सकती है। अपने निवेशों की समीक्षा करें और सलाह लेने के लिए विशेषज्ञों की मदद जरूर लें। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके लिए शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी नए कार्यक्रम का पढ़ाई के लिए समय निकालें। अपनी रुचियों और प्रतिभाओं का उपयोग करें। नई जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास भी आपको करना चाहिए। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके लिए सामाजिक मामलों में उत्साह और सफलता के योग बन रहे हैं। आपके सामाजिक संबंधों में मदद करने का मौका आज आपको मिलेगा। आपको लोगों के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अपनी सहभागिता को बढ़ावा दें और अपने विचारों को साझा करें। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी छोटी सी बीमारी के कारण आपका काम ठप रह सकता है। आपको आराम की आवश्यकता है। अपने आप को आराम दें और अपने शरीर की देखभाल जरूर करें। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके लिए प्रेम संबंधों में सुख और समृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके और आपके साथी के बीच प्यार और समझौता बढ़ सकता है। अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखें। अपनी भावनाओं को साझा जरूर करें। अरे भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज मकर राशि वालों को सफलता मिल सकती है। किसी काम को पूरा होने से प्रसन्नता रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे। कोई मित्र आपको अच्छी खबर दे सकता है। धन लाभ भी हो रहा है। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज निवेश कर सकते हैं। धन संभल करके खर्च करें। कार्यस्थल पर प्रमोशन की सूचना आज आपको प्राप्त होगी। आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी। सोचे हुए काम पूरे होंगे। नए लोगों से मुलाकात भी आज आपकी बन सकती है। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका पक्ष मजबूत रहेगा। शारीरिक रूप से कुछ दिक्कतें महसूस करेंगे। आज किसी मित्र को सलाह दे सकते हैं। रिश्तेदारों का आगमन होगा। किसी के मामले में दखल ना दें। नौकरी कारोबार में उन्नति होगी। इस प्रकार से यह है आज हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी आपने बता दिया राशि फल आज का, क्या कुछ करना है दर्शकों को और क्या कुछ करने से बचना होगा, क्या कुछ नहीं करना है ये भी आपने बताया है। साथ ही तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान भी आपने बताया। आचार्य जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।